घटना एम बनी के काली मंदिर नी बाजुना श्री राधाकांतना मंदिर नो पुजारी हतो ब्राह्मण क्षेत्रनाथ। श्रावणवदी आठम एटले के जन्माष्टमी ने दिवसे श्री कृष्णनो जन्मोत्सव वगैरह कार्य बधी रीते पूरु थई गयु हतु। बीजे दिवसे नवमी नो नंदोत्सव हतो। ते दिवसे बपोरे श्री राधा गोविंद नी खास पूजा तथा कीर्तन भोगराग वगैरह थई रह्या पछी पुजारी क्षेत्रनाथ श्री राधा अने श्री गोविंद नी मूर्तिओ ने पोढाड़वा माटे बाजूना खंड में लई जता अचानक लपसी पड़ो अने गोविंद जी नी मूर्ति हाथ में छटकी ने पड़ी गई। मूर्ति नो पग भांगी गयो अने मूर्ति खंडित थई गई। मंदिर में हाहाकार मची गयो। बिचारो क्षेत्रनाथ, एने तो आवी बेदरकारी माटे नौकरी माथी काढ़ी मुकवामां आव्यो, परंतु प्रसंगनो अंत एटलेथी ज आवतो न हतो। कुटुंब उपर जरूर कोई अमंगल उतरी पड़शे एवी सौने बीक पेठी। हवे खंडित मूर्तिनी पूजा पण केम थाय? राणी रासमणी तो अत्यंत आकुल व्याकुल थई गया। मथुर बाबूनी सलाह लईने एने पंडितोनी सभा बोलावी। खूब वाद विवाद कर्या पछी ए पंडितोए निर्णय आप्यो के खंडित मूर्तिनी पूजा करवी ए शास्त्र विरुद्ध छे। माटे राणीए ए मूर्तिने गंगाजीमां पधरावी देवी अने एनी जग्याए बीजी नवी मूर्तिनी प्रतिष्ठा करवी। ए निर्णयने मान आपीने राणीए नवी मूर्ति तैयार करावानो हुकम तो कर्यो, परंतु जे मूर्तिनी ए पहलेथी पूजा करती आवी हती तेने गंगाजीमां पधरावी देवानुं एनुं मन मान्युं नहीं। एनी एवी मनस्थितिमां मथुर बाबूए सूच्यु के आपणे श्री रामकृष्णनो अभिप्राय लई जोईए। राणीए एमना विचारने अनुमोदन आप्युं। आखी वात सांभळ्या पछी श्री रामकृष्ण ईश्वरीय भावनी अवस्थामां आवी जईने बोली उठ्या, शुं राणीना जमाईनो पग भांगी जाय तो एने बदलावीने एने स्थाने बीजो जमाई लावे, के शुं ए पोताना जमाईनी सारवार न करावे? तो पछी आ बाबतमां पण एवुं शा माटे न करवुं? एटले आ मूर्तिनी मरामत कराओ अने पहेलानी पेठे एनी ज पूजा चालू राखो।